दोस्तों हर रोज हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इमरजेंसी किसी के साथ में भी आ सकती है और किसी भी वक्त आ सकती है। हम कहीं जा रहे हैं, हम अकेले हैं, हम कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं या दुर्घटना कोई ऐसी हमारे साथ में हो जाती है जिससे कि हमें अपनों की, अपने रिश्तेदारों की, फैमिली मेंबर्स की ज़रूरत की जो है महसूस होती है, उस टाइम मदद की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, हम जो है इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप रेडमी मोबाइल्स के अंदर जो है कोई ऐसी इमरजेंसी सेटिंग होती है जिसको आप सेटिंग करके इमरजेंसी में अपनों की मदद ले सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ पर नीचे जो है आपको सिस्टम एंड डिवाइस सेटिंग में इमरजेंसी SOS आपको यहाँ पर मिलेगा, उसको आपने ओपन कर लेना है और आपने इमरजेंसी SOS को जो है ऑन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, देखिए आप जब अपने मोबाइल का जो पावर बटन है वो अगर 5 बार आप दबाओगे तो आप जो है उन अपने जो कॉन्टैक्ट आपने सेव कर रखे हैं वो उसमें जो है SOS जो ये क्या करेगा, वो टेक्स्ट मैसेज भेज देगा कि आपको जो मदद की ज़रूरत है और साथ में जो है लोकेशन भी सेंड करेगा अपने मोबाइल की जहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है। तो इससे आपको जो है फाइंड करना आसान हो जाता है उनके लिए। अब देखिए आगे आपने क्या सेटिंग करनी है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप 3 कॉन्टैक्ट जो है मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों या रिश्तेदारों में आप जो है 3 कॉन्टैक्ट ऐसे सेलेक्ट करिए जो कि इमरजेंसी में आपका जो है मोबाइल, जैसे आप जो है उनको एक तो लोकेशन या जैसे ऐसी चीज़ें देखने आना चाहिए मोबाइल में, ठीक है, उनके पास में एंड्रॉयड मोबाइल हो तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि वो इमरजेंसी में क्या है कि धैर्य और विवेक से काम में लेने वाले व्यक्ति होने चाहिए कि इमरजेंसी जब आ जाती है तो हमें किस तरह से कार्रवाई करनी है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है या किस तरह से हमें जो है काम इस जो है मतलब डिसीजन जो है मेकर जो होते हैं, इस हिसाब से आप 3 लोग ऐसे सेलेक्ट करिए अपने परिवार में से या दोस्तों में या रिश्तेदारों में से, ठीक है। तो ऐसे तो 3 लोग मिल ही जाते हैं तो वो आप 3 लोग कर लीजिए। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं या आप जो है यहां पर नया कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं तो भी आप जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है बात आती है कि नीचे यहां पे देखिए सेंड कॉल हिस्ट्री है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इन 3 लोगों को जो है अपने पीछे 1 घंटे की जो आपने कहां कहां कॉल करी है, जो कॉल हिस्ट्री है, वो भी आप जो है अगर सेंड करना चाहते हैं मैसेज के थ्रू तो जो है आप यहाँ पे टेप कर सकते हैं, इसको ऑन या ऑफ जब मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कैसे काम करेगा फ्रेंड्स, जैसे ही आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है ऐड करेंगे तो जो नंबर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उन लोगों को आप जो है उन अपने फैमिली मेंबर्स को ये ज़रूर बता दीजिए कि भाई मैंने जो है आपको इसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में ऐड किया हुआ है, और उनको एक मैसेज भी जब आप ऐड करेंगे तो उनको एक मैसेज भी जाता है, उनके फ़ोन पर जाता है, तो उनको आप बता के जरूर रखिए कि मैंने आपको ऐड कर रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इमरजेंसी में उनको मैसेज भेज रहे हैं और लोकेशन भी भेज रहे हैं लेकिन वो देख ही नहीं रहे हैं या ऐसा कुछ मतलब ना हो, ऐसा उनको बता के रखेंगे तो वो इग्नोर नहीं करेंगे, कम से कम आपका मैसेज जब आएगा तो। अब देखते हैं कि यह कैसे काम करेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि अपने सबसे पहले आपका जो नेटवर्क है वो ऑन होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है कि आपका जो नेट है वो उस समय चलते रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात आपने क्या करना है कि जो इमरजेंसी का जो बटन है वो पावर बटन है आपका, ठीक है, तो पावर बटन को आप जब रेपिडली 5 बार दबाते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपको इमरजेंसी SOS सेटिंग है वो ऑन हो जाती है और आपके जो मैसेजेस हैं इमरजेंसी के मदद के लिए जो है लोकेशन के साथ में अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं और वो कोई भी कार्रवाई इससे संबंधित कर सकते हैं। अगर आपका आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप ऊपर देखिए टैप टू एग्जिट लिखा हुआ है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको इमरजेंसी SOS को जो है आप बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, बाद में। तो अब ध्यान रखना है कि इंटरनेट ऑन होना चाहिए और जो इमरजेंसी SOS है वो आपका सेटिंग में जो है ऑफ नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप इमरजेंसी SOS का यूज़ करके जो है अपने इमरजेंसी के अंदर मदद जो है अपने उसे मांग सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, कुछ आपको लगता है कि ये अच्छी जानकारी थी, तो आप वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और इसी तरह से हमारे वीडियो अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।